नमस्कार, आपके साथ मैं विद्यनाथ झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले देखिए न्यूज 50। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में रुकावट डालने वालों की अब खैर नहीं। सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने दिया है सख्त संदेश। आतंकियों के हमदर्दों की वजह से कश्मीर में ज्यादा सैनिक हो रहे हैं शहीद, सेना प्रमुख जनरल रावत का बयान। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और ISIS के झंडे लहराने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सेना प्रमुख ने कहा है कि जाएगी सख्त कार्रवाई। पीएम ने कश्मीर में शहीद मेजर सतीश दहिया और 3 जवानों को श्रद्धांजलि दी। सेना प्रमुख ने पीएम को कश्मीर के हालात की जानकारी दी। कुपवाड़ा के क्रालगुंड में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए मेजर सतीश दहिया, 3 जवानों ने बांदीपुरा में बलिदान दिया। अखिलेश यादव का दावा, विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की जीत तय। जी न्यूज के एडिटर सुधीर चौधरी से खास बातचीत। अखिलेश ने विपक्ष के आरोपों को भी किया खारिज, कहा परिवार में हुई लड़ाई नहीं थी फिक्स। यूपी में दूसरे चरण के चुनाव में 65.5% वोटिंग हुई, आंकड़ा अभी और बढ़ने की उम्मीद। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव में 68% मतदान, उत्तराखंड में अब तक की सबसे ज्यादा वोट। इसरो के 104 सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मिली जगह, दुनिया भर में भारत की तारीफ। ब्रिटेन, अमेरिका और चीन ने इसे ऐतिहासिक बताया। कल श्रीहरिकोटा से 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया, इसमें 96 अमेरिका के। AIADM के महासचिव शशिकला ने बेंगलुरु की अदालत में किया सरेंडर, ट्रायल कोर्ट ने शशिकला को जेल भेजा। जेल के महिला ब्लॉक सेल में शशिकला अपनी रिश्तेदार एलावारिस के साथ काटेंगी सजा, एलावारिस भी शशिकला के साथ दोषी करार है। बेंगलुरु जेल में शशिकला 3 साल 11 महीने की काटेंगी सजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी करार दिया। तमिलनाडु में सरकार को लेकर हालात अब भी साफ नहीं। कल देर शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री पनीरसेल्वम और AIADM के विधायक दल के नेता EK पलनीसामी ने अलग अलग राज्यपाल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने किया सरकार बनाने के लिए विधायकों के समर्थन का दावा, राज्यपाल की तरफ से अभी तक कोई फैसला नहीं। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, कोर्ट यह तय करेगा कि 3 तलाक पर बहस किन मुद्दों के आधार पर होगी। मुद्दे तय होने के बाद 3 तलाक पर बहस 11 मई से शुरू होगी। केंद्र सरकार ने कोर्ट में 3 तलाक का किया है विरोध। स्टेट बैंक को लेकर केंद्र सरकार का अहम फैसला, कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसके 5 सहयोगी बैंकों के विलय को मंजूरी दी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का होगा SBI में विलय। शादियों में फिजूल खर्ची रोकने के लिए संसद में बिल पेश, 5 लाख से ज्यादा खर्च करने पर 10% रकम सरकारी खाते में जमा कराने का प्रस्ताव। आज फिर उत्तर प्रदेश में पीएम की चुनावी सभाएं, हरदोई और बाराबंकी में रैली। राहुल गांधी आज सीतापुर, हरदोई और उन्नाव में रैली करेंगे, अखिलेश यादव भी 3 जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग, पहले दौर में 15 जिला परिषद और 165 पंचायत समिति में शाम 5:30 बजे तक वोट डाले जाएंगे। झारखंड में आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट आयोजन से पहले सीएम रघुवर दास ने 1000 फीट ऊंचा तिरंगा फहरा। छत्तीसगढ़ के जंगल में शहीद हुए STF के 2 जवानों को आज दी जाएगी अंतिम विदाई, 2 जवान हुए थे शहीद, 5 नक्सलियों की हुई थी मौत। दिल्ली में LG के अधिकार क्षेत्र को तय करेगा सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ, संवैधानिक अधिकार से जुड़े होने की वजह से है फैसला। दिल्ली के एम्स अस्पताल में रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं आधार, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव CK मिश्रा ने कहा अभी नहीं हुआ कोई फैसला। बिहार के कटिहार में अनियंत्रित ऑटो रिक्शा मंदिर में घुसा, मौके पर 1 बच्चे और महिला समेत 6 लोगों की मौत। दिल्ली के रोहिणी में 2 युवकों का शव पार्क में मिला, दोनों के शरीर पर तेज धार हथियार से हुआ था हमला। शुरुआती जांच के मुताबिक वैलेंटाइन डे के दिन डबल मर्डर को दिया गया अंजाम, प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या। दिल्ली में हथियारों के जखीरे के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, मध्य प्रदेश से लाई गई 20 पिस्टल यूपी में होनी थी सप्लाई। नोएडा के अस्पताल की 5वीं मंजिल से कूदकर एक व्यक्ति ने दी जान, डिप्रेशन का शिकार। मुंबई के दादर इलाके में एक इमारत का हिस्सा गिरा, एक व्यक्ति की मौत, जर्जर बिल्डिंग को गिराने का चल रहा था काम। शिवसेना के मुखपत्र सामना पर पाबंदी की मांग, BJP ने चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी, निकाय चुनाव को देखते हुए दलील। एमसी चुनाव प्रचार के दौरान राज ठाकरे का दावा, BJP की नजर बाहरी वोटरों। कुपोषण को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार, कहा 50% बच्चे कुपोषण के शिकार हों तो विकास बेमतलब। मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर चलाया यूपी चुनाव में मुस्लिम कार्ड, अयोध्या कांड के दौरान गोली चलाने वाले
के फैसले को सही ठहरा। कन्नौज से सांसद डिंपल यादव ने देवरानी अपर्णा के लिए चुनाव प्रचार किया, यूपी में सरकार बनाने का किया दावा। फैसलाबाद में केंद्रीय मंत्री बीपी चौधरी ने मांगे वोट, कहा सरकार बनी तो विधानसभा में कानून बनाकर राम मंदिर का होगा निर्माण। वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं संतोष मूरत सिंह, चर्चा में खुद को जिंदा साबित करने के लिए किया है नॉमिनेशन। मायावती और उनके भाई आनंद कुमार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से नोटिस, 2006 में नोएडा में खेती की जमीन को रिहायशी घोषित करवाने के बाद रिश्तेदारों को देने का आरोप। लखनऊ पुलिस ने 631 पेटी शराब पकड़ी है, कीमत करीब 20 लाख रुपए, चार लोग गिरफ्तार, हरियाणा से मंगाई गई थी शराब। मेरठ में एक सिपाही और उसके बेटों से परेशान होकर घर छोड़ने को मजबूर पड़ोसी, कई बार शिकायत के बाद भी नहीं लिया गया एक्शन। आगरा में शिक्षा विभाग का एक अधिकारी 50,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, मैट्रिटी लीव देने के बदले मांगा था रिश्वत। मथुरा के कोसीकला थाना इलाके में रंजिश दो पक्ष आए आमने सामने, दोनों ओर से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चले। लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में शामिल एक और बदमाश विवेक गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 5,000 का इनाम। लखनऊ में नाबालिग की हत्या के मामले में बिल्डर गिरफ्तार, परिवार वालों ने बिल्डर पर लगाए यौन शोषण और हत्या का आरोप। यूपी के शामली में लोगों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने वाला गैंग पकड़ा गया, 5 लोग गिरफ्तार। हिमाचल के सिरमौर में नेशनल हाईवे पर बच्चों ने बनाया रिकॉर्ड, 80 छात्रों ने एक मिनट में कागज के 7,730 हवाई जहाज उड़ाए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज।